हेलो, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वॉचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, सामान्य हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाना, अंग्रेजी में अनुवाद करना, अंग्रेजी में बदलना आसान होता है, लेकिन जैसे कुछ ट्रिकी सेंटेंस आ जाए तो आपके लिए, सभी के लिए मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उस पर हम ध्यान दें ताकि हम अनुवाद करने में कुशलता पाएँ, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना भी बहुत बड़ी कुशलता है। तो हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करना अभी आप सीखेंगे। जो ट्रिक है, जो सेंस है, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे और अंत में हम आपसे सवाल भी पूछेंगे ताकि आप हमारे पूछे गए सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो देखते हैं, ट्रांसलेशन करने से पहले हम देखते हैं कि आपको करना क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए, आज न कल, अगर मान लीजिए आपको बोलना हो कि आज न कल मैं तो इस काम को ज़रूर करूँगा, तो इसके लिए आप क्या समझ रहे हैं? आज न कल का रियल मीनिंग क्या हुआ, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसे हम बताएँगे। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी न कभी, कुछ ना कुछ आता है। आप कुछ ना कुछ अभी सोच रहे होंगे, है कि नहीं? अभी आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, तो फिर कुछ ना कुछ, इसका अंग्रेजी में हम इसे कैसे बोलेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे हम इसे? उसके बाद बूंद बूंद, दिनों दिन, जहाँ जहाँ, जहाँ तहाँ, जैसे तैसे, इसे अगर आपको बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, आप सोचिए, क्योंकि अभी आपको हम बतलाने वाले हैं। उसके बाद जब जब, जहाँ तक, वैसे ही, जैसे, जब, कभी भी, या कभी भी नहीं, तो इन सभी को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, कि आखिर सेंस क्या होगा, इन सब को देखना जरूरी है। तो चलिए पहले हम एक एक करके यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तुम आज न कल नेता बन जाओगे। अब इसके मीनिंग को पहले समझाते हैं ताकि इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना बिल्कुल आसान हो जाए। आज न कल का दो मीनिंग हो सकता है, क्या तो टुडे और टुमारो। अगर मान लीजिए हम करें कि मामा जी आज न कल जरूर आएंगे, का मतलब ये हो सकता है क्या तो आज शाम तक चले आएंगे या फिर कल दिन भर कभी आ सकते हैं। दूसरा मीनिंग होता है आज न कल का देर सवेर। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस को, देखिए, तुम आज न कल नेता बन जाओगे, तुम आज न कल नेता बन जाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टुडे और टुमारो नहीं हुआ, आने वाला समय में वह नेता बन जाएगा। तो देख लीजिए हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तुम आज न कल नेता बन जाओगे। यू विल बी अ लीडर, यू विल बी अ लीडर, तुम नेता बन जाओगे। और आज न कल मेन तो यही है, तो टुडे और टुमारो तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। टुडे और टुमारो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आज और कल वाली बात नहीं है यहाँ पर। आज कल का मतलब है कि आने वाले समय में देर सवेर बन जाएगा तुम लीडर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब देर सवेर तुम नेता बन जाओगे। तो अब आपने क्या सीखा, इसका मतलब हुआ कि जो रियल मीनिंग है छिपा हुआ उसे समझना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे तुम्हें कोई ना कोई मदद करने जरूर आएगा। तो अब इसे देख लेते हैं, तुम्हें कोई ना कोई मदद करने जरूर आएगा, तो कोई ना कोई, पहले आप ये देख लेते हैं, कोई ना कोई का मतलब कोई ना कोई आदमी। तो हम सिर्फ कोई ना कोई के लिए क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समवन और द अदर। जब भी आपको कोई ना कोई यूज करना हो तो आप लिखेंगे समवन और द अदर जरूर आएगा, विल सर्टेनली कम टू हेल्प यू। समवन और द अदर विल सर्टेनली कम टू हेल्प यू, तुम्हें कोई ना कोई मदद करने जरूर आएगा। तो हमने कोई ना कोई का क्या लिखा, समवन और द अदर, और इसे आपको जुबान पे रखना होगा। उसके बाद क्या है, तुम्हें कहीं ना कहीं एक सच्चा दोस्त जरूर मिलेगा। अब इसे भी देख लेते हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं एक सच्चा दोस्त जरूर मिलेगा, तो यू विल और जरूर मिलेगा, तुम सर्टेनली यहाँ पर भी कर सकते हैं, सर्टेनली गेट अ ट्रू फ्रेंड। यू विल सर्टेनली गेट अ ट्रू फ्रेंड, और उसके बाद क्या है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं के लिए क्या करेंगे, सम वेयर और द अदर। सम वेयर और द अदर मतलब तुम कहीं ना कहीं एक सच्चा दोस्त, तुम्हें कहीं ना कहीं एक सच्चा दोस्त जरूर मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, उसे कभी ना कभी मेरी कमी जरूर खलेगी।
कभी ना कभी उसे मेरी कम ही जरूर खलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे उसे कभी ना कभी, तो इसके लिए क्या करना होगा, ही विल। अब यहाँ पर देखना यह है कि कमी खलना का क्या होगा, आप सोचिए कि कमी खलना का आप क्या लिख सकते हैं। तो देख लीजिए हम क्या लिखते हैं, तो ही विल और क्या है, कमी जरूर खलेगी, ही विल सर्टेनली सर्टेनली मिस मी। देखिए किसी को, किसी की कमी खलने के लिए हम मिस का प्रयोग करते हैं। मिस का मतलब किसी को याद करना, किसी की कमी खलना। तो ही विल सर्टेनली मिस मी, आप जरूरत के अनुसार सी भी लिख सकते हैं। तो सी विल सर्टेनली मिस मी, उसके बाद क्या है, कभी न कभी, तो हम लिखेंगे इसके लिए सम टाइम और द अदर। उसे कभी न कभी मेरी कमी जरूर खलेगी, उसके बाद क्या है, वह मेरे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोच रहा होगा। तो हम टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे भी दिमाग में रखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। तो वह मेरे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोच रहा होगा, तो हम लिखेंगे ही मस्ट बी थिंकिंग, ही मस्ट बी थिंकिंग और क्या कर रहा होगा, थिंकिंग अबाउट मी, वह कुछ न कुछ, वह मेरे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोच रहा होगा। ही मस्ट बी थिंकिंग, कुछ न कुछ के लिए हम लिखेंगे समथिंग और द अदर। ही मस्ट बी थिंकिंग समथिंग और द अदर, और किसके बारे में, मेरे बारे में, तो अबाउट मी। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे सिर पर पानी बूंद बूंद गिर रहा है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसे बोलेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लिखेंगे पानी बूंद बूंद गिर रहा है, तो वाटर इज फॉलिंग ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और कहाँ गिर रहा है, तो ऑन माई हेड, ऑन माई हेड। बिल्कुल आसान तरीके से कुछ भी आप बनाइए, लिखिए, बोलिए, तो बिल्कुल तोड़ तोड़ कर जीरो एकदम आसान तरीके से बोलिए। तो वाटर इज फॉलिंग, पानी गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ड्रॉप बाई ड्रॉप, बूंद बाई बूंद, फिर कहाँ गिर रहा है, तो ऑन माई हेड। उसके बाद है तुम दिनों दिन खूबसूरत होते जा रहे हो, तो इसमें तो आपको स्ट्रक्चर भी सीख लेना है और किस तरह से हम अनुवाद करेंगे उससे देख लेते हैं। तो तुम दिनों दिन खूबसूरत होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर ब्यूटिफुल, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल दिनों दिन। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डे बाय डे, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, तुम होते जा रहे हो, क्या हो रहे हो, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे, मतलब दिनों दिन खूबसूरत होते जा रहे हो। नेक्स्ट है तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ सिर्फ मुझे ही पाओगे, तो इसे कैसे बोलेंगे और इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा देख लेते हैं। जैसे पहले तो हम लिखेंगे, देखिए तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ सिर्फ मुझे ही पाओगे, तो हम देखिए कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे यू विल फाइंड ओनली मी, यू विल फाइंड ओनली मी, तुम मुझे सिर्फ पाओगे, तुम सिर्फ मुझे ही पाओगे। जहाँ, तुम जहाँ जहाँ जाओगे, तो जहाँ जहाँ के लिए हम लिखेंगे where ever, you will find me all, you will find only me wherever you go, तुम जहाँ जहाँ जाओगे सिर्फ मुझे पाओगे। उसके बाद है तुम्हारे कमरे में किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, देखिए हम लोग इस तरह से बोल रहे होते हैं, बस उसी को अंग्रेजी में कैसे बोलना है, हिंदी में तो बोल रहे होते हैं, अंग्रेजी में कैसे बोलना है, हम उसे कैसे अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में, इसे समझने का प्रयास कीजिए। तुम्हारे कमरे में किताबें जहाँ तहाँ पड़ी है, तो पहले हम लिखते हैं किताबें, तो बुक्स आर लाइंग, किताबें पड़ी है, किताबें पड़ी है जहाँ तहाँ, तो बुक्स आर लाइंग, और जहाँ तहाँ का,
सोचने में लगता है कि बहुत ही बड़ा वर्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देख लीजिए, बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। तो बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर, कहाँ पर? तुम्हारे रूम में, इन योर रूम, तुम्हारे रूम में, तुम्हारे कमरे में। आसान है, चलिए देखते हैं। मैंने उसे जैसे तैसे दो शब्द बोल पाया। अब कोई काम आप कर पाते हैं, कोई काम कर पाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? तो मैंने उसे जैसे तैसे दो शब्द बोल पाया, तो हम लिखेंगे आई वॉज एबल टू टेल हीम टू वर्ड्स और जैसे तैसे। तो इसके लिए क्या है कि आप यूज करेंगे, देख लीजिए क्या यूज करना है, Somehow or the other, I was able to tell him two words somehow or the other। मैं जैसे तैसे उसे दो शब्द बोल पाया। और यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो देखिए कैसे इसे हम अनुवाद करेंगे इंग्लिश में। तो हम पहले लिखेंगे मुझे कॉल कर लेना, बहुत आसान तरीके से, कॉल मी। और जब जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, जब जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो या जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बात बराबर है, दोनों का सेम मीनिंग। तो कॉल मी और जब जब के लिए व्हेन एवर यू नीड माय हेल्प, कॉल मी Whenever you need my help, जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मेरी मदद की ज़रूरत हो, तो मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद देख लीजिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ। जहाँ तक उसका सवाल है, वो अच्छा इंसान है। तो इस प्रकार से अगर बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे as far as I am concerned, As far as I am concerned, जहाँ तक मेरा सवाल है। और उसके बाद कोई भी सेंटेंस, किसी प्रकार का सेंटेंस आता है, आप लिख दीजिए, जैसा भी होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, As far as I am concerned, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, तो I am your true friend, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ। उसके बाद है, तुम्हें मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, तुम्हें मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अब इससे अनुवाद कैसे करेंगे? हम लोग तो आपस में ऐसा बोल रहे होते हैं, तो फिर इसे अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो तुम्हें मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, तो पहले हम लिखेंगे डू, और ऐसा और वैसा के लिए सिर्फ एज का प्रयोग करना होगा। कैसे होगा? तो डू एज आई टेल यू, कितना इस आसान है, कितना सिंपल, कितना छोटा। डू एज आई टेल यू है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, डू एज आई टेल यू, कितना आसान है, कितना आसान है। उसी प्रकार देखते हैं आगे, जब कभी आना पहले मुझे कॉल कर लेना। कई ऐसे दोस्त होते हैं जो बिना कॉल किए हुए, बिना बोले अचानक आ जाते हैं और हमारा आपका टाइम भी ख़राब करते हैं। तो फिर यहाँ पर करना क्या होगा, हम कहीं भी जाएँ पहले कॉल कर लें कि भाई मैं आ रहा हूँ, टाइम निकालना मेरे लिए। तो चलिए, तो जब कभी आना पहले मुझे कॉल कर लेना, तो चलिए पहले मुझे कॉल कर लेना, कॉल मी बिफोर यू कम टू मी। मतलब इसका जो मीनिंग है कि जब भी तुम मेरे यहाँ आना पहले कॉल कर लेना। तो कम टू मी कर सकते हैं, टू मी हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो कॉल मी बिफोर यू कम टू मी, तो क्या है, जब कभी आना, जब कभी, तो बिफोर यू कॉल मी या फिर व्हेन एवर यू कॉल मी। देखिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर चाहें तो कॉल मी व्हेन एवर यू कम टू मी ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग। व्हेन एवर यू कॉल मी का मतलब है कि आने से पहले, पहला का मीनिंग है कि आने से पहले मुझे कॉल कर लेना भाई, या फिर जब जब तुम, जब कभी भी आना मेरे यहाँ तो मुझे कॉल कर लेना, दोनों का मीनिंग सेम है।
चलिए और देखते हैं आगे। मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ। अब इसे कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? देखिए, आई नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, आई नेवर टेल, और किसी से तो एनी बडी, आई नेवर टेल एनी बडी, और क्या नहीं बोलते हैं तो लाइज। मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसे होगा। तो इसी प्रकार आपने सीखा कि तरह तरह का जो हिंदी वाक्य है, अजब गजब हिंदी वाक्य है, उसे अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, आपने आज सीखा है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, तुम्हें कुछ ना कुछ रोज़ सीखना चाहिए, तुम्हें कुछ न कुछ रोज़ सीखना चाहिए। बहुत आसान है और देखते हैं कि आप इसका सही जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर आपको कोई भी सस्पिशन लगे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि सिर्फ देखना नहीं है, सीखना है, और सीखने के लिए दोबारा देखना भी ज़रूरी है। दोबारा देखिए, समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात और कि जब भी आपको लगे कि यह वीडियो बहुत ही कारगर है, सही है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम सिखा पाएँ और आपके जरिए, क्योंकि आपका मदद भी ज़रूरी है, आपका हेल्प ज़रूरी है और लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।